सुबह हम 5 बजे खड़े हैं सर दारू लेने के लिए। तो आप क्या हुआ, क्या बोला? अभी ये लोग बोल रहे हैं कि जी अब दारू नहीं मिलेगा, पुलिस प्रशासन ने मना कर दिया डायरेक्ट कि नहीं मिलेगा दारू। हमने कहा जी क्यों कह रहा है कि नहीं मिलेगा, बंद कर दिया हमने ठीका, इसीलिए लाइन हम सुबह 5 बजे लगा हुए हैं सर, नहीं मिल रहा दारू यहाँ पे। हम सुबह 6:30 बजे के आए हुए थे, 37 नंबर भी मिला था, मेरे को चोट भी है, हम लाइन में भी लगे, नंबर भी आने वाला था, फिर उन्होंने हटा दिया पुलिस वालों ने कि अब नंबर नहीं लगेगा, फिर यहाँ लाइन लगवा दी, अब यहाँ लाइन लगवा दी, 2.5 घंटे से खड़े हुए, अब इन्होंने कह दिया कि बंद हो गया अभी ये। तो ये कोई तरीका नहीं है, अच्छे घर के हैं, अच्छी फैमिली के हैं, शक्ल से ही पता लग रहा होगा ये, पर ये तरीका नहीं है सरकार का। या तो कह दो कि बंद माने बंद, ये नहीं है कि अब 2.5 घंटे बच्चे बीवी को घर से छोड़ के, ठीक है अल्कोहलिक है, आदत है थोड़ी पीने की, सुबह जल्दी आ गए, पर ये तरीका गलत है, ये गलत नहीं, ये गलत है सरकार को, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सीधा बंद कर दे केजरीवाल साहब, आप बंद कर दो तो पता लग जाए कि घर में रोटी नहीं है, तो पता है कि घर में रोटी नहीं है, 2 दिन भूखे रह लेंगे, 9 रातें भी रखते हैं ना, व्रत रखते हैं, 40 रखते हैं, पर ऐसे नहीं कि सुबह लाइन में लगवा दिया, 2.5 घंटे लगवा दिया। तो क्या बोला आप लोग? अब बोल दिए, नहीं पूछ नहीं, आपके सामने ही आप कह दिया ना, देखो ना भीड़ दिखाओ, ये देखो बंद कर दिया उन्होंने, कह रहे कि बंद, अब ये नहीं मिलेगी, अब ये 5:15 सुबह 5:15 से लाइन में खड़े हो। हाँ तो नंबर भी दिया आपको? हाँ 7 नंबर से, 7 नंबर दिया। ये बताइए गवर्नमेंट ने 70% टैक्स बढ़ा दिया, क्या करे सर, सारे लोग है तो मैं भी थोड़ा सा ले इंटरेस्ट करने के लिए आ जाता हूँ, 40 दिन हो गया इस वजह से। नहीं अभी तो खुला ही नहीं सर, काफी ज्यादा भीड़ है सब लोग, नंबर दिया है, नंबर के भरोसे पर रुके हुए हैं, अगर नहीं मिलेगा घर चले जाएंगे, बस अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं सर। सुबह 5 बजे आ गए थे, नंबर दिए थे, फिर लोगों ने वो कर दिए, फिर नंबर कुछ भी नहीं है, यही हो रहा बार बार कि पहले नंबर लाइन वहाँ लगी थी, अब लाइन यहाँ लग गई। अच्छा क्या लगता है आपको, सही है गलत है? अब भैया कुछ भी हो हमें तो दारू पीनी है आज, कुछ भी हो। 5:30 बजे आए थे, नंबर वंबर भी दिया है? हाँ नंबर आया सर, 16 नंबर है सर, सही है, अपने लाइन पे है सर। अच्छा ये बताइए कि सरकार ने 70% टैक्स भी लगा दिया, हाँ जी सही है गलत है? अब सर वो तो सरकार की इच्छा है, जब दिक्कत है तो लगाने में कोई वो नहीं है। रेट बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा, कम पियेंगे उसमें क्या, कम लेंगे, ज्यादा लेने की जरूरत है? डिस्टेंसिंग देख रहे हैं आपकी, बिल्कुल भी नहीं। वो ये लोग कर रहे हैं जो बाद में आए हैं, खबर तबड़ करके आग लगने के लिए कर रहे हैं, ये भगदड़ है और कुछ नहीं है, और जो लाइन में है वो लाइन में लगे हुए हैं, अब भगदड़ करेंगे तो भाई इनको ही दिक्कत होगी, पुलिस मारेगी इन्हें, ये समझते ही नहीं, ये जो कर रहे हैं भैया कर रहे हैं किसने, इनको सेफ्टी के लिए तो कर रहे हैं, ये मानते ही नहीं लोग, अब कोई भी आया आगे लग गया हम क्या करेंगे? 5 बजे, हाँ जी 7 बजे, 22 नंबर है, पर आगे बिना नंबर से गुजरे हैं सारे। बाल नंबर है यार मेरा। पर सरकार ने 70% जो है वो टैक्स भी लगा दिया, तो क्या लगता है आपको कि जो सरकार ने डिसीजन लिया है ठीक है, ब्लैक में लेने से तो अच्छा है, इनको दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कल भी दुकानें बंद हो गई थी क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग, हाँ इन्होंने कर रखा था, अभी भी कर रहे हैं वही, फिर लाइन लगी है तो सही लगी है ना, अभी आके आगे लग जाएंगे तो क्या होगा, लड़ाई तो होगी, हम सुबह से लग रहे हैं, लोग अभी आके आगे लग जा रहे हैं। मैं तो अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले, क्या नंबर नंबर भी मिला कोई? नंबर मिला था, नंबर से ही जा रहे हैं लोग। अच्छा ये बताइए सरकार ने 70% टैक्स भी बढ़ा दिया है, तो क्या लगता है आपको, सही कदम है कि नहीं? सही कदम है, दिक्कत नहीं होगी, रेट बढ़ जाएगा तो नहीं, इससे एक्चुअली में गवर्नमेंट को भी थोड़ा फायदा ही है, वैसे तो पब्लिक पैसा देगी नहीं, कम से कम इस माध्यम से गवर्नमेंट के पास कुछ अर्निंग होगी जिससे वो कोरोना की इस लड़ाई को लड़ने के लिए पैसा खर्च कर सकेगी। कोई समस्या नहीं है? नहीं मैं तो कह रहा हूँ डबल हो जाने चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भाई साहब हम तो देखो मेरे बीच में और इनके बीच में तो पूरा मैंने तो फासला ले रखा है, पब्लिक मान नहीं रही है, पब्लिक भीड़ है, पहले अच्छी खासी लाइन लगी हुई थी, पुलिस वालों ने इधर करवा दी, तो पब्लिक ने पुलिस वालों ने ये भगदड़ इधर को मचवाई है, नहीं तो पब्लिक तो लाइन में सही लगी हुई थी उधर अपने हिसाब से। हम लोग सुबह 6 बजे से आकर यहाँ लगे, नंबर भी दिया हुआ हमें, एक मिनट बोल रही थी, सुबह 6 बजे से आकर बैठे हैं लगे हैं, और मेरे कुछ दोस्त सुबह 4 बजे भी आके लगे हैं, अब मसला यह है नंबर दिया गया वो भी पब्लिक का आदमी कर रहा है, रीजन मैं आपको बताता हूँ फेल होने का इस व्यवस्था को क्या है कि पुलिस की कोई भी वो नहीं हो रही है, 9 बजे का ठेका खुलने का टाइम है, 9:05 में पुलिस यहाँ पर आई है, आप ये कह रहे हैं पब्लिक को व्यवस्थित कौन करेगा दिल्ली में, मुझे बताइए पब्लिक को कौन व्यवस्थित करेगा, कौन कौन उन्हें समझाएगा, कौन उन्हें बताएगा कि किस तरह से खड़ा होना है, क्या ये पुलिस की ड्यूटी नहीं है, क्या ये ठेके वालों की ड्यूटी नहीं है, आप दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, पब्लिक पागल हो रही है, पब्लिक पब्लिक को बताएगा कौन,
पब्लिक को समझाएगा कौन, मुझे बताइए। अपने आप नंबर दे रहे हैं, सुनिए अपने आप, एक मिनट पौने छह बजे हम लोगों ने मिलकर, सुनिए मेरी बात सुनिए दोस्तों, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। मैं पौने छह बजे से जो लोग आपस में एक नंबर लिख रहे हैं इतने में, जैसे ही ठेका खुलता है 9 बजे भीड़ का हजूम आता है और वो हजूम उन नंबरों को तोड़ देता है, तो कौन व्यवस्थित करेगा, किसकी ड्यूटी है ये? अगर यहाँ पर कल को कुछ लड़ाई झगड़ा कत्ले आम हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? 70% टैक्स भी बढ़ा दिया सरकार ने। 70% टैक्स बढ़ने का किसी को कोई गम नहीं है, ये एक देश के लिए हमारी तरफ से एक डोनेशन है, एक दान है।